जोया परवीन को दावत दे रहा हूँ कहाँ पाए आपने याद करता तकदीर सामने के सामने पेश करना है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदु व नस्सली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ जानिब ईमान को अफियत के रास समझाओ ज़माना आज भी कुरान ही से फैस पाएगा मिट्टी की म्मतें सूरज और चांद जगमगाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं भी दिन की छोटी सी तालबा हूँ मैं आप लोगों के सामने क्यास कर सकती हूँ मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं पर फिर भी अर्ज़ करती हूँ कि अल्लाह तला का हम पर हमारे वालदेन पर कितना बड़ा एहसान है कि जिसने हमें इन दिन के लिए चुन लिया दिन पढ़ने वाले खुद उसके वालदेन को अल्लाह पा क्या क्या मिलेगा और इसका मरतब आखिरत में क्या होगा मैं इस पर मुख्तर रोशनी डालना चाहती हूँ इन दिन का सर चश्मा कुरान पाक है कुरान पाक के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शात फमाया कि जो शख कुरान पाक का एक रूप पढ़ ले उसके लिए ऐसी नक है जो दस नकों के बराबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शात फरमाया ये नहीं कहते इस्लाम एक हर्फ है बल्कि अलीफ एक हर्फ लाम एक हर्फ मुम एक हर्फ है यानी सिर्फ़ अली इस्लाम पढ़ने पर तीस नकियाँ मिलेंगी आप आप ही बता दें जो जिस कदर कुरान पाक पढ़ेगा उसको उस कदर नहीं क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया जो शाह कुरान पाक पढ़े और उस पर अमल करेगा तो उसके वाले को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी जब माँ बाप को इतना ऊँचा मरतवा मिलता है जो खुद पढ़ता होगा उसको कितना मिलता होगा न ना हम नाप इसका अंदाज़ा लगा सकते एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि जो उसे कुरान पाक पढ़े और उस पर अमल करेगा तो उसके वालदेन को क़यामत के दिन दो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी तमाम दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह पाक ये जोड़ा किसके बदले में तो इरशाद हो गई आपके बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में आपको मालूम है कुरान शरीफ में कुल कितनी आयतें हैं कुरान शरीफ़ में कुल छः हज़ार छः सौ छाछ आयतें हैं जब बाप को इतना ऊँचा मरतबा मिलता है जो जब बाप को इतना ऊँचा दर्जा मिलता है काश हमारी माँ और बहन इन हदीस पर गौर करें ताकि अपने बच्चे को इन दिन की दिलचस्पी ले ताकि हम सब की भी दुनिया बन जाए और आखिरत में भी ऊंचा दर्जा नसीब हो भाई ना ना खामोश खामोश होने क्या पढ़ा जा रहा है क्या बताया जमाने में मुसलमान होकर और हम खौर हुए तारीख कुरान होकर वखरुद्दावानी रबीआलम भाई आप अपनी तकरीर बयान करेंगे तो फिर यहाँ बयान करने वाले तो और इसलिए खामोश इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है सुने क्या बताया जा रहा है अब इसके बाद फिर तकरीर करने के लिए मैमूना फ़ातमा को मैं दावत दे रहा हूँ कहाँ पाएँ अपने याद करदा तकरीर सामने के सामने पेश फरमा सबको असलकूल वरम वक् ना मधुब न करीम अम्माबाद वन बसमीम फ़क्त कॉल तबारक वज़ा रब्लबालाबलवालनी एहसाना सदकुल्लिम अभी मैंने आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आय तिलावत की है जिसमें अल्ला ताला ने अपनी अतात और फर्मा बरदारी के साथ वालदेन का हसन सलूक करने का हुक्म दिया है एक हदीस में आप सल्हस ने फ़रमाया कि माँ के पाँव तले जन्नत और बब जन्नत का दरवाज़ा है एक मरतबा एक सहाबी ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूं और मेरी गर्दन दीन की सरबुलंदी में कटे आपली वसलम ने इर्शाद फरमाए क्या तुम्हारे वालदा ज़िंदा हैं सहाबी ने अर्ज़ किया क्या कि रसोल्ला मेरे माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं आप सल्ह वसम ने फरमाया क्या तुम्हारे वाले ज़िंदा हैं सहबी ने अर्ज़ किया क्या रसोल्ला मेरे माँ बाप दोनों जिंदा हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जाऊँ उन्हीं की खिदमत करो मेरी बहनों गौर करो माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह की राह में सर कटाने से भी बड़ा सवाब का काम है एक दूसरी हदीस में आप वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स मोहब्बत भरी एक निगाह अपने वालदेन पर डाले तो उसको एक हज का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं ये सुनकर सहाबी मचल पड़े सहाबी ने बढ़कर सवाल किया क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई शख्स दिन भर में सौ मरतबा मोहब्बत बरी निगाह अपने वालदान पर देखे तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसको सौ मरतबा सवाब मिलेगा ये थे वालदान के फ़ाइल मगर अफ़सोस की बात है हम लोग माँ बाप की कदर नहीं करते उनको बात बात पर जवाब देते उनके हुक्म के खिलाफ चलते और उनके दिलों को ठेस पहुँचाते अब आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला ने एक बंदे बनाए और वालदे के साथ हसन सलूक करने वाला बनाए आमीन या रबालमीन वाखिर उदावानी अलहमदिल्ल आलमीन। आलिमा अब इसके बाद तकरीर इंग्लिश में तकरीर करने के लिए आलिमा को दावत दे रहा हूँ असलकम वरमि वर्क नहमदू वनसली रसूल करीम अम्माबाद काउज़बिल्ल मिन शयतज़ीम बसमीम ऊसाबा मसीबतिनफ़िल वफ़ीअसिकम्ल फ़ी किताबली अन नब्रज़ोल करसिर सदाज़ीमोज सामिन हज़रा जलसा और मेरी अज़ीज़ बहनों मैं आप लोगों के सामने क्या अर्ज़ करूँ मैं तो भी इल्मन की मामूली से तालबा हूँ आप लोगों का हुसन जहन सराखों पर हुक्म की तामील में हाजिर हूँ मैंने अपने महबूब मदरसे उलूम में पल कर जो कुछ सीखा है उसकी रोशनी में कुछ अर्ज करने की कोशिश करती हूँ अंदाज गरचे बहुत शौक नहीं है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात मज्जत सामिन खुशी और गमी इंसान के लिए दो लाजमी चीजें हैं दुनिया में हर इंसान को इससे जरूर गुजरना पड़ेगा अगर आज खुशी है तो कल गम भी देखना पड़ेगा और अगर आज गम है तो कल खुशी भी मैसर होने वाली है लेकिन एक सच्चे और पक्के मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर चले ऐसा ना हो कि खुशी में डूब कर जो गम की मुसीबत में पढ़ कर खुदा को फरामोश कर दे और उन रास्तों पर चल पड़े जो कुरान व सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है अल्लाह पाक ने हम इंसानों को दुनिया में भेजा ताकि हम इंसान अपने खुदा के हुक्मों को मान कर ज़िंदगी बसर कर सकें अपने अच्छे अमाल के बदले खुदा की रजामंदी व आख़रत में जन्नत मिले ऐसे अजीम मकसद के तहत अल्लाह पाक ने नबियों को भेजा रसूलों को भेजा किताबें दी सहीफे भेजे ताकि इंसान सही रास्ते को मालूम कर सके और सबसे आखिरी में हमारे प्यारे नबी करीम सल वसलम दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर खड़ा कर दे जो इंसान खुदा से कट चुका है उसको खुदा से जोड़ दे जो हज़ार बुतों की पूजा में लगा हुआ है उसको सिर्फ़ एक खुदा के सामने झुका दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचाया और आखिरी हज के मौके पर सबा कराम को मुखातिब करते हुए पूछा क्या मैंने आप लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया है सब ने एक ज़ुबान होकर अर्ज किया भला क्यों नहीं रसोल्ला आपने बेका अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा पहुँचा दिया है उस पर आपने फ़रमाया फ़लुबलगु शाहिदाइबी फ़लुबलगु शाहिदलबी के तुम में जो मौजूद है वो ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह का पैगाम उन लोगों तक पहुँचाओ जो गैर हाजिर हैं अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं आप पर जो किताब यानी कुरान नाजिल हुई है वो आखिरी किताब है आपके बाद और कोई नबी नहीं आएंगे कुरान के आ जाने के बाद और कोई किताब नहीं आएगी इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे ज़िम्मेदारी डाली है कि हम में जो समझदार है वो ना समझों को बताएं जो दीन से वाकिफ़ है वो ना वाकिफ़ भाई बहनों को दीन की बातें बताएं और समझाएँ कि दीन क्या है हमें ये काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इससे अल्लाह खुश होंगे इससे अल्लाह नाराज़ होंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारियों से हल्के होंगे वरना खुदा के यहाँ हमारी ज़रूर पकड़ होगी और क़यामत के दिन हम रस्वा होंगे मैंने शुरू में आप लोग मैंने खुतबे के दौरान एक आयत की तिलावत की थी उसका मफूम यह है कि रुए ज़मीन पर जो मुसीबतें आती हैं वो हम पे गुजरी हुई होती है वो सब इससे पहले कि हम वजूद में लाएं एक किताब में दर्ज है बेशक ये चीज़ें ला त के लिए बिल्कुल आसान है ताकि तुम लोग उन चीज़ों पर गम ना करो जो तुमसे फौत हो जाए यानी रंज मुसीबत का एक तकदीरी इलाही है एक सच्चा पक्का मुसलमान जो रंज व गम को अल्लाह की जानिब से तसूर कर लेता है उसके लिए रनज व गम का बर्दाश्त करना आसान हो जाता है हदीस शरीफ में आता है कि एक इंसान पर जितनी बड़ी और सख्त आजमाइश होती है उतना बड़ा ही उसको सिला मिलता है अल्लाह पाक सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी का दफर मैं वामी